Dear friends, welcome you all again in the world of English literature. तो आज की जो हमारी टॉपिक है English literature में वो है figures of speech के ऊपर. तो हम इस सेशन में figures of speech के बारे में जानेंगे जो बड़े ही important हैं, especially for students who are doing BS in English, English literature or masters in English literature, MA English literature. इसके अलावा ये आमतौर पे exams में पूछे भी जाते हैं, स्पेशली जो लेक्चरशिप के एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं. तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आमतौर पे पास पेपर्स में भी आ चुके हैं, और जो जनरल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं समटाइम्स आपको डिफ़िकल्ट हो रही होती है पोइट्री पढ़ने में, तो वो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. सबसे पहले जो फिगर्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे वो है एलिट्रेशन. तो ये आप देख रहे हैं कि इसे कहा जाता है आवाज़ हर्फ या सर हर्फी. तो एलिट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि रिपीटेशन होती है साउंड की, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसोनेंट साउंड जो है उसकी रिपीटेशन होती है. जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड स्पेशली अ कंसोनेंट फॉर रेट्रिकल और पोएटिक इफेक्ट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सी है इस लाइन में वो बार बार रिपीट हो रही है, द केट कॉट अ क्राफ्टी माउस. इसी तरह से जो नीचे वाला है इसमें आप देख सकते हैं कि द ब्यूटिफुल ब्लू बर्ड बस्ट आउट इन सॉन्ग. तो यहाँ पे बी जो है वो रिपीट हो रही है, और बी भी कंसोनेंट है और सी भी कंसोनेंट है. इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, द शेल्स शी सेल्स ऑन सी शोर. तो ये यहाँ पे बार बार जो जो एस जो रिपीट हो रही है ये एलिट्रेशन है. और इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी आप देख रहे हैं कि क्यूरियस किड्स कैन कैच अ कोल्ड, तो यहाँ पे सी जो है. इसी तरह से यहाँ पे फिर एफ, फ्रॉग्स फ्रीक्वेंटली फ्रॉलिक इन फ्रेश वाटर, फिर इलेवन एलिगेंट एलिफेंट्स एंड एन एडरली एल्क. इसी तरह से नीचे में आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू, और लास्ट में आप देख रहे हैं जी. तो इसी तरह से एलिट्रेशन जो हैं ये फॉर्म हो रही होती हैं, जिनमें बेसिकली किसी लाइन में स्पेशली पोइट्री में ज्यादातर जो है रिपीटेशन हो रही होती है सेम साउंड लेकिन कंसोनेंट साउंड. तो किसी लाइन में अगर तीन दफा कोई पर्टिकुलर जो कंसोनेंट है वो आप समझ रहे हैं कि जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट मींस कि वो एलिट्रेशन है. लेकिन याद रखें कि वो जो कंसोनेंट साउंड होता है वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है. तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन. इसके बाद एसोनेंस है, ये भी बेसिकली एलिट्रेशन की टाइप ही है. एसोनेंस में भी रिपीटेशन होती है साउंड की, लेकिन यहाँ पे कंसोनेंट साउंड की बजाय जो है वो वावल साउंड जो है उसकी रिपीटेशन हो रही होती है, और वो वावल साउंड जो है वो मिड ऑफ द वर्ड जो है उसमें आ रहा होता है, क्योंकि सारे वर्ड्स जो है वो वावल से स्टार्ट नहीं होते. इट इज़ बिट डिफिकल्ट क्योंकि वावल्स की तादाद बड़ी थोड़ी है, और वावल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं कंसोनेंट्स की वर्ड फॉर्म करने में. कंसोनेंट्स तो डायरेक्ट खुद वर्ड जो है वो बना रहे होते हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, द कैट रैन आफ्टर द एलिगेटर हु वाज ट्राइंग टू असिस्ट एन अलार्म्ड ड्रोनिंग आर्मेडिलो टू गेट अक्रॉस द रिवर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन जो ब्लू में जो ए आपको नजर आ रही है इसे एसोनेंस कहा जाता है, और ये रिपीट हो रही है जस्ट लाइक इलिट्रेशन जो हमने जाना. इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आप कि क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट, अगेन ए जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको एसोनेंस कहेंगे आप. ट्राई टू लाइट द फायर, तो ये वाई जो है बेसिकली आई की तरह जो है वो साउंड दे रही है, और किसी ज़माने में जो है वाई वावल काउंट किया जाता था, ये सिक्स वावल था, अब इसको नहीं माना जाता. तो ट्राई लाइट द फायर, यहाँ पे ये एसोनेंस हो गई, और इट बीट्स एज इट स्वीप्स एज इट क्लीन्स. तो ये जो ई ए है या डबल ई, इनकी जो है सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए हम इसको एसोनेंस कहते हैं. तो एसोनेंस एंड एलिट्रेशन सेम ही है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि एलिट्रेशन में जो है वो कंसोनेंट्स की रिपीटेशन होती है, और एसोनेंस में वॉवल्स की रिपीटेशन होती है. होती दोनों में रिपीटेशन ही है साउंड्स की. इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन. तो इसको कहा जाता है तजस्सुम, या किसी बेजान शख्स को तसव्वुर करना. तो यानी आम तौर पे
ये जिस तरह आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में आपको आइडिया हो जाएगा, द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, तो ये इसी तरह से द एंग्री स्वोर वॉज विजिबल, और इसी तरह से माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विथ माई हेड। तो कम्पीटिंग, एंग्री और डांस्ड, ये जो है इनको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन है क्या? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो आमतौर पे क्वालिटी दे रही होती है किसी एनिमल की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की या किसी आइडिया की। तो ये लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, अमूमन आप देख रहे होते हैं कि डांस जो है वो इंसान कर रहे होते हैं या जानवर कर रहे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसकी डांस जो है वो रेयर है, लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटी को अट्रीब्यूट कर रहे हैं विद एन आइडिया और एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल और अ पर्सन। और इसी तरह से एंग्री शोर और विजिबल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब शोर जो है वो हाउ इट बिकम्स एंग्री, लेकिन ये बेसिकली हम इन अ वे एक किसी बेजान शख्स को या बेजान चीज को जो तस्वर कर रहे होते हैं, और उसको हम तस्वर इस सेंस में कर रहे होते हैं कि दैट इज लाइक पर्सन आर एनिमल आर एन ऑब्जेक्ट आर एन आइडिया। इसी तरह से यहाँ पे माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विथ माई हेड, तो हार्ट कम्पीट कर रही है हेड के साथ, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लें कि एग्जाम्पल में द विंड येल्स वाइल ब्लोइंग, और इसी तरह से द विंड के नॉट येल, ओनली ए लिविंग थिंग कैन येल। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वैसे विंड जो है वो येल शाउट नहीं कर रही होती, चिल्लाती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि क्वालिटी को एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन के तौर पर यूज होगी। तो यहाँ पे और भी पर्सोनिफिकेशन के काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, द सन पीक्ड हैपली फ्रॉम बिहाइंड अ क्लाउड, अब सन भी जो है वो हैपली पीक कर रहा है, द ट्रीज डांस बैक एंड फॉर्थ इन द विंड, अगेन डांस आ रहा है, द कार हैपली स्क्वील डाउन द हाईवे, अब वो हैपली स्क्वील, और इसी तरह से इट वॉज टाइम टू गो होम बट द बेल रिफ्यूज टू रिंग। तो मोस्टली पर्सोनिफिकेशन जो है उनमें आमतौर पे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज की जाती हैं, और वो पर्सोनिफाई करने के लिए काम आती हैं। पर्सोनिफिकेशन इन अ वे आप कह सकते हैं कि बिट लाइक मॉडिफिकेशन और एट्रीब्यूशन, तो एडजेक्टिव का काम भी यही होता है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन, कि ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो हम यूज कर रहे होते हैं टू एट्रीब्यूट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन एनिमल एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। इसके बाद है आयरनी, इसे आमतौर पे तंज कहा जाता है या सितम जरीफी, तो ये हम तंजिया तौर पे यूज कर रहे होते हैं, यानी हिट कर रहे होते हैं इन अ वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लें कि व्हेन अ कैरेक्टर और रीडर एक्सपेक्ट्स वन थिंग टू हैपन बट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट अकर्स, यानी एक किस्म का जब उलट हो जाता है तो फिर हम तंजिया मिजाज के तौर पर कह रहे होते हैं या सितम जरीफी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये शेक्सपियर के ड्रामे से, ओडिपस सीक्स टू कास्ट आउट द मर्डरर फ्रॉम थेब्स इन ऑर्डर टू रिलीज थेब्स फ्रॉम द प्लेग, व्हेन इन रियलिटी ओडिपस इज द मर्डरर हु इज कॉजिंग द प्लेग। इसी तरह से ड्रामेटिक आयरनी एक इसकी फॉर्म के तौर पे, क्योंकि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो यहाँ पे आप देख लें कि ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि व्हेन एन ऑडियंस नोज और कम्स टू रियलाइज समथिंग दैट अ कैरेक्टर इन द लिटरेचर डज नॉट नो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे, अगेन एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी वुड बी व्हेन किंग ओडिपस हु वाज अननोइंगली किल्ड हिज फादर सेज दैट ही विल बेनिश हिज फादर्स किलर व्हेन ही फाइंड्स हिम। तो मारा भी उसने और वो खुद कह रहा है कि उस अपने फादर के किलर को जो है वो बैनिश कर लेगा। तो ये ड्रामेटिक आयरनी इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं कि अ कैरेक्टर सेज, जो वर्बल आयरनी है उसे कहा जाता है कि अ कैरेक्टर सेज वन थिंग बट रियली मीन्स द अपोजिट। एग्जांपल, वाटर इज एज क्लियर एज मड, तो अब मड जाहिर सी बात है कभी भी क्लियर नहीं होता, द पर्सन एक्चुअली सेज दैट वाटर इज नॉट एट ऑल क्लियर, तो यानी ये इसके उल्ट है, या ये जो है तंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या सितम दरीफी, तो इसे कहा जाता है आयरनी। इसके बाद है फिर हाइपरबल, ये मुबालगा या हद से ज्यादा तारीफ आमतौर पे, तो
हाइपरबल जो है इसको कहा जाता है कि इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, यहाँ पे यानी आप जो है हद से ज्यादा एग्जरेट कर रहे होते हैं। टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेस्पॉन्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली, हाइपरबल इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ह्यूमर, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द किंग्स नोज वॉज 3 feet long। अब 3 feet long जो है जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाक जो है वो कैसे मुमकिन है। सो माई डेड कैन लिफ्ट ओवर 2 tons, 2 tons जो है वो आप किस तरह उठा सकते हैं, 1 ton जो है वो 1000 kg का होता है, तो ये मुमकिन नहीं है। डेट फूड वॉज सो हॉट माई ईयर्स वर स्मोकिंग, अब कानों से धुआं जो है वो निकलता ही नहीं आमतौर पर। डेट बॉय रन्स फास्टर देन द कार, अब कार से ज्यादा कौन भागता है तेजी से, तो ये एग्जेजरेशन होती है यानी हद से ज्यादा तारीफ होती है, मुबालगा रही जिसे कहा जाता है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर, सो हाउ कैन एनीबॉडी स्लीप अ ईयर। आई एम 20 feet tall दिस मंथ, तो ये सारे जो है वो आई मस्ट हैव वॉक्ड 100 miles, इस तरह से ये हाइपरबल जो है वो बोले जाते हैं जिनमें हद से ज्यादा तारीफ की जाती है स्पेशली। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये आप देख रहे हैं कि फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, और ये मशहूर ड्रामा है अगेन शेक्सपियर का। और एक और है यहाँ पे, हैपली टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग बर्ड सॉरी। इसके बाद है ऑक्सीमरन, तो ऑक्सीमरन जो है ये भी आमतौर पे जिसमें अल्फाज अपने नकीज के साथ साथ वाक्य हों, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप देख लें, अ फ्रेज दैट कंबाइंस नॉर्मली कंट्राडिक्टरी टर्म्स, यानी दो अल्फाज जो हैं वो वैसे तो अलग 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 करके हम देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं, लेकिन हम उनको मिला के यूज कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीमरन होती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोवर्ट्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, ये जूलियस सीजर की लाइन है जो कि शेक्सपियर का ड्रामा है। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिग बेबी, अब बेबी बिग जो है वो आमतौर पे बिग और बेबी ये इन अ वे दे कंट्राडिक्ट विद ईच अदर। ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है तो ओपन भी है, अलोन टुगेदर, अलोन भी है टुगेदर भी है, तो यानी ये जो दो वर्ड्स हैं बेसिकली इन अ वे दे आर अपोजिट टू ईच अदर। डीफनिंग साइलेंस, क्लियरली कन्फ्यूज, लिविंग डेड, इसी तरह से ओरिजिनल कॉपी, और पैसिव एग्रेसिव, तो ये जो है वो सारे ऑक्सीमरन कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइलेंट स्क्रीम, ओल्ड न्यूज, बिटर स्वीट, लीड बलून, सिविल वॉर, प्लास्टिक सिल्वरवेयर, जंबो श्रिम्प, पेपर टॉवल, वर्किंग वेकेशन, नेगेटिव इनकम, ये सारे जो है ना ऑक्सीमरन कहा जाता है। इसके बाद है पन, जिसे चुटकुला भी कहते हैं, इबहाम भी कहते हैं, या दो मानी जो है निकलना, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि अपन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर आइडेंटिकल और सिमिलर इन साउंड बट हैव शार्पली डाइवर्स मीनिंग्स। पन्स कैन हैव सीरियस एज वेल एज ह्यूमरस यूजेस। एग्जांपल, व्हेन मर्क्यूशियो इज ब्लीडिंग टू डेथ इन रोमियो एंड जूलियट, ही सेज टू हिज फ्रेंड, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आस्क मी टुमारो and you shall find me a grave man, तो ये यहाँ पे इबहाम जो है वो पैदा हो रहा है, या इन अ वे कि ये चुटकुले भी कभी कभार हम बोल रहे होते हैं। A horse is a very stable animal, so इसी तरह से an elephant's opinion holds a lot of weight, so ये आप देख रहे हैं कि weight जो है how it can come into mind। इसी तरह से Santa's helpers are known as subordinate clauses, a boiled egg every morning is hard to beat, reading while sunbathing makes you well read, a pessimist blood type is always B negative, तो ये जो सारे हैं ये इनको पन कहा जाता है, या चुटकुले या इबहाम जो है ना वे वो कहे जाते हैं। इसके बाद है फिर ऑन्टोमेपिया, तो इसमें जो है इसकी मीनिंग जो है यानी इसको कहा जाता है कि सिंसूती या आवाज के मुताबिक नाम रखना, वजह अस्मा सूरत, कुछ खास किस्म के जो है वो साउंड्स होते हैं और उन्हें हम एक खास किस्म की जो है वो
एक एक उनको नाम दे रहे होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ओनोमेटोपिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं बूम, वाओ, या जब ओ माय गॉड कहते हैं ऊप्स, इसी तरह से जेप, पाओ, बैंग, स्मैश, हाहा, ये सारे जो हैं ये ओनोटोमेपिया कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं गश, हूट, हाउल, चेटर, पॉप, और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं एज ओनोटोमेपिया। द फ्लड वाटर गश्ड थ्रू द टाउन, द आउल हूटेड इन द ट्री, एट नाइट द विंड वाज हॉलिंग इन द डार्कनेस, एंड माई टीथ चेटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। तो ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इन सबको ओनोमेटोपिया कहा जाता है, जिसके यानी आवाज के मुताबिक नाम रखना। खास किस्म की एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस तरह बीज की बज आपने अमूमन सुना होगा कि उनकी जो आवाज होती है उन्हें हम बज कह रहे होते हैं, इसी तरह से आप जो है वो लायन जो है, टाइगर जो एक किस्म की आवाज जो है वो निकाल रहा होता है, तो जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स एक खास किस्म की आवाज निकाल रहे होते हैं तो वो भी ओनोमेटोपिया ही कहा जाता है। इसके बाद है यूफेमिज्म, यानी खुश कलामी, या कोई बुरी बात जो है उसको आप नरम अंदाज में या मीठे अल्फाज में कह रहे होते हैं ताकि उनका उतना जो है वो इम्पेक्ट ना हो। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लें, द यूज ऑफ वर्ड और फ्रेज दैट इज लेस डायरेक्ट बट दैट इज ऑल्सो लेस डिस्टेस्टफुल और लेस ऑफेंसिव देन अनदर। तो एग्जाम्पल्स में शी मिस्ड क्लास बिकॉज हर ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट वीक। तो आमतौर पर डाइड वर्ड होता है, डाइड की जगह आपने पास्ट अवे इस्तेमाल किया, तो ये यूफेमिज्म है, यानी खुश कलामी है। मैनी पीपल आर अपोज टू द गवर्नमेंट्स यूजिंग इन्हांस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स ऑन प्रिजनर्स। और इसी तरह से यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं गार्बेज मैन, और हम कहते हैं कि सैनिटेशन इंजीनियर, ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन, तो ये जितने भी हैं ये इन्हें यूफेमिज्म कहा जाता है। प्रेग्नेंट इन अ फैमिली वे, डाई पास अवे, और द डेड के द डिसीज्ड आर द लेट, बरियर, अंडरटेकर और मोर्टिशियन, लुनाटिक असाइलम्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो यानी यूफेमिज्म जो है इन अ वे आप उनको इस तरह से भी कह सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आप कोई फॉर्मल वर्डिंग यूज कर रहे हैं बजाय कि आप स्लैंग या जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, तो इसीलिए। तो यूफेमिज्म मतलब ये है कि यू आर सेइंग समथिंग इन मोर फॉर्मल वे रादर देन कि यूजिंग स्लैंग स्टाइल आप उसमें जो है वो यूज नहीं कर रहे होते। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हैं, ये ओरिजिनल सेंटेंस, और आप देख रहे हैं कि यूफेमिज्म में आप इनको पढ़ लें तो आपको यूफेमिज्म के बारे में और भी ज्यादा क्लियरली आइडिया हो जाएगा। इसके बाद है साइनेडोकी, ये मजाज मर्सल है, यानी एक किस्म का इस्तगारा जिसमें जुजो या कुल जो है या कुल जुजो को पेश कर रहा होता है, यानी एक जो है वो वर्ड जो है वो पूरा जो है वो पूरी आपको सेंस दे रहा होता है। यहाँ डेफिनेशन में देख लें, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। यहाँ पे आप देख लें कि हैरी पॉटर में ये है कि वोल्डेमॉर्ट इज रेफर्ड टू एज यू नो हु इंस्टेड ऑफ हिज फुल नेम। इसी तरह से हेमलेट, द पॉइंट एनवेनम टू देन वेनम टू दाय वर्क। तो ये सैनेडो की जो इनके एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे और भी हैं कि फॉर लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक बाय टी एस इलियट, इसमें जो है उन्होंने कहा था कि आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेड क्लास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यानी ये आपको रेड क्लास जो है नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करा है एज अ होल को। और इसी तरह से स्कूटिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, इसी तरह से यहाँ पे इनकी टाइप्स हैं साइनेडोकी की, और ये यहाँ पे आपको और ज्यादा आसानी होगी। पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रेफर टू द होल थिंग, अ हंड्रेड हेड ऑफ केटल यूजिंग द पार्ट हेड टू रेफर टू द होल एनिमल, सॉरी द हेड। यहाँ पे जो है ये बेसिकली यहाँ पे साइनेडोकी है। और इसी तरह से द होल ऑफ थिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ इट, द वर्ल्ड ट्रीटेड हिम बैडली यूजिंग द वर्ल्ड टू रेफर टू द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और इसी तरह से स्पेसिफिक क्लास ऑफ थिंग्स इज यूज टू रेफर टू अ लार्जर मोर जनरल क्लास, अ बग यूज टू रेफर टू एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट और
आर्कमिड आर्कनेट इवन इफ इट इज नॉट अ ट्रू बग. इसी तरह से अ जनरल क्लास ऑफ थिंग इज यूज टू रेफर टू अ स्मॉलर मोर स्पेसिफिक क्लास. इस तरह से यहाँ पे द गुड बुक तो रेफरिंग टू द बाइबल और द कुरान. तो ये जो वर्ड्स हैं यानी ग्लासेस आर स्टील और बैरल और इसी तरह से गुड बुक और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल क्लास और इसी तरह से यहाँ पे बग और इसी तरह से यहाँ पे वर्ल्ड और यहाँ पे इसी तरह से आप हेड जो है वो देख रहे हैं. ये सारे जो हैं सेनेडो की हैं जिन्हें कहा जाता है कि मजाद मरसल या तो वो एक उसका जो पार्ट है वो पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है या जो होल है वो किसी एक खास पार्ट को रिप्रेजेंट करता है यानी वाइस वर्सा है ये इन अवे एक दूसरे की. इसके बाद रेट्रिक तो ये आमतौर पे इल्मे बयान होता है फने खताबत या फने तहरीर कहा जाता है यानी ऐसा सवाल जो जवाब के लिए नहीं सिर्फ असर डालने के लिए पूछा जाए. आमतौर पे पॉलिटिशियंस जो है ये यूज कर रहे होते हैं रेट्रिक्स स्पेशली वाइल एड्रेसिंग टू द मासेस. तो रेट्रिक इज द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स वेल व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग. An example of rhetoric is when a politician can describe a problem and make it sound like it is not a problem. तो इस तरह से यहाँ पे कुछ इसकी examples हैं. देख लेते हैं कि he was a good Samaritan yesterday when he helped the lady start her car. He was a real Romeo with the ladies. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Romeo, how was Romeo with the ladies? और इसी तरह से चॉकलेट वाज हर एकाइल्स हील. और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अल्यूजंस हाउ कैन यू यूज अल्यूजंस इन योर स्पीच. तो यहाँ पे ये आप ज्यादा देख रहे हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह आप कहते हैं कि हाउ कुड यू इज दिस अ जोक आर यू क्रेजी व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी हु केयर्स डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज. तो ये जो बेसिकली अल्फाज हैं इन्हें कहा जाता है फने खिताबत या फने तहरीर या इल्मे बदी और मानी या इल्मे बयान यानी ऐसा सवाल जो जवाब के लिए नहीं सिर्फ असर डालने के लिए पूछा जाए. तो ये था हमारा आज का सेशन जो फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर था. आई होप कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने में जो है वो काफी ज्यादा आसानी होगी. और इसके बाद जो है वो दूसरा सेशन जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का जिसमें हम मोर कॉमन के बजाय जो जो रेयर हैं इस्तेमाल होते हैं लेकिन बड़े कम होते हैं तो उनको भी हम कवर कर लेंगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन सी यू एंड हैव अ नाइस टाइम.